हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। और ये व्लॉग है 11 तारीख का और दिन है सोमवार। और मैं लगा रही हूँ अभी महावर, काफ़ी देर हो गई है, करीबन करीबन 9:30 बज रहे हैं। आज नीचे आंटी जी ने दशा माता का व्रत का उद्यापन करने के लिए सुहागले खिलाने के लिए बुलाया है, सो हमको भी इनवाइट किया था सुहागलों में। तो मैं यहाँ पर महावर लगा के नीचे जाऊंगी, क्योंकि आंटी ने बोला था कि महावर लगा कर आना। तो अभी मैं महावर लगा ले रही हूँ, साड़ी पहन लूँगी, तैयार होकर नीचे सुहागल खाने जाऊंगी। और ये दशा माता का जो व्रत होता है बहुत सारी औरतें करती होंगी, आप लोग बताना आप लोग जानते हैं इसके बारे में, बिकॉज मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी, बट मैंने यहाँ पर ही आकर देखा तो सुहागलों में हमको इनवाइट किया गया था। तो वही मैं नीचे आ गई हूँ तैयार होकर। यहाँ हवन पूजा हो रहा है, ये मैं हूँ, साड़ी पहन के, टीका वगैरह हो गया है। अब सुहाग इसमें खिलाया जाता है खीर और पूड़ी, इसमें नमक नहीं खिलाया जाता है और नमक नहीं खाया जाता है। तो बस वहाँ से आ गई थी और कुछ सामान मिला था सुहागनों को, सबको दिया जाता है। तो क्या क्या मिला है मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस पन्नी में ये देखिए, इसमें ये के फल हैं, ये बिंदी का एक पत्ता है, 10 का नोट है, और एक ये सिंदूर की डिब्बी है, और इसमें चूड़ियां हैं, अच्छी हैं, मैं ये पहन लूंगी, रेड कलर की है, माता रानी का प्रसाद है, और अंगूर है, केला है, एक ये मेहंदी की कोन है। सो यही सब चीजें मिली हुई थी। मेरी मौसी आ गई थी क्योंकि आपको दिखाया था, मैं आपको दिखा रही हूँ जो कि रोज डेली काम करती है। अच्छा। और ये देखो, ये जा रही है मौसी, जा रही है आपकी, मेरी आपने मौसी को देखे है ना? हाँ, देख लिया आप मौसी को, देख कह रहे हैं कि अच्छी नहीं है मौसी। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। क्यों? आप लोग ने मेरी मौसी को देखा ना, बहुत अच्छी है मेरी मौसी। तो ये देखो, मुझे प्यार कर रही क्योंकि सो गाइस, अभी मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ राखी क्या क्या भर के ले आई है। राखी आद्या और दक्ष के लिए लाई है, कुछ ना कुछ मेरे लिए भी ले आई है, मेरे लिए ये लाई है, इतनी प्यारी सी चप्पल, ये देखो कितनी सुंदर है ना। ये राखी लाई है मेरे लिए, और आध्या दस के लिए भी ले आइए, दक्ष के लिए ये वाली सैंडल लाइए वो, और आध्या के लिए जूती लाई बहुत ही प्यारी सी, जो कि आध्या की बहुत बड़ी हो रही थी ना, कि आध्या की बड़ी है, जब बड़ी हो जाएगी तब। हाँ, उल्टी रखी हुई, ये देखो अच्छी लग रहा ना, फर वाली ये भी है, पीच कलर में है। और आध्या के लिए ये ड्रेस लाइए, ये टॉप है जो कि इसका है सेट, ये शॉर्ट है, ये उसकी नानी ने भेजा है आद्या के लिए, और दक्ष के लिए भी कपड़े आए हैं, दक्ष का भी कपड़ा अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए, ये एक सॉफ्ट टी शर्ट है, काफ़ी अच्छी लग रही है, और ये जीन्स वाला पैंट है, ये भी अच्छा लग रहा है। तो इतना सब लेकर लाई है आद्या और राखी, और साथ ही साथ एक डॉल भी लाई है जो कि दक्ष के लिए लाई थी, सॉफ्ट टॉय, और दक्ष को अच्छा भी लगा था, दक्ष ने रात में खेला भी उसके साथ में, डॉल है बहुत ही प्यारी सी वो। और ये आद्या के, दक्ष के, और ये मेरी चप्पल, ये सैंडल, अब आद्या ने ये जूतियाँ को डाल ली, आद्या की थोड़ी बड़ी, आद्या अच्छी लग रही ना आपको, तब पहनेगी, आद्या को बहुत प्यारी लग रही है, अच्छी लग रही ना आद्या, थोड़ी सी बड़ी है आद्या के लिए। आद्या देख कर बेटा, तो अब मैं पैक करके रख दे रही हूँ। राखी हैप्पी बर्थडे, तुम्हारे बर्थडे पे हम लोग सोए एक को, सोए नहीं है, झूठ ना बोलो, सोए नहीं है आज हम, ये क्या कर रहे हो दक्षु, सोए बिल्कुल नहीं है, अभी हम जा रहे हैं पोहा बनाने, क्योंकि आज पोहा खाने का मैंने, राखी का भी मेरा भी, और हाँ का है गर्म हवा आ रही है, अंधेरा कर रहे हो, और शाम को क्या प्लान है?
तो वो पता चलेगा जो प्लान होगा, अभी तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो अभी मैं पोहा बनाती हूँ, चाय बनाती हूँ, चाय पोहा खाते हैं। गर्मी बहुत हो रही है लेकिन चाय ज़रूर पियेंगे। चाय की आदत है मुझे, सुबह और शाम, बस इससे ज़्यादा नहीं और इससे कम भी नहीं, एक सुबह एक शाम। तो चाय बनाएंगे, पोहा खाएंगे, राखी को खिलाएंगे। राखी अंदर है, बच्चों को संभालती रहती, देखती रहती है, और दोनों बच्चों का मन भी लग गया इसके साथ में। आद्या सो गई है, देखो दिख रही होगी, बहुत थक गई वो। चलो मैं चाय बनाने जा रही हूँ, मैं पोहा भिगो कर आई हूँ, अब चाय बना। और देखिए मेहंदी लगाई थी, नीचे गई थी ना सुहागल खान, सुहागने खाने, तो वहाँ पे महावा लगा तो गई थी, साथ ही साथ मेहंदी का भी है तो हाथ में मेहंदी होनी चाहिए, तो वहाँ पे सबको कीप दी गई थी लगाने के लिए, तो मैंने भी फटाफट से वही लगा ली, सूख भी गई। सो दशा माता का व्रत था, मतलब सुहागले थी उसकी, तो वही हम लोग गए थे खाने, हम लोग मतलब मैं गई थी खाने, आद्या दक्ष और राखी ऊपर ही थी। चलो अब मैं चलती हूँ किचन में, फटाफट से पोहा चाय बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें मिला दी हैं पोहे में, नमक सॉरी पानी से पहले धुला है, उसके बाद को पानी में डुबा के छान के रखा है, तो फूल गया है, नमक डाल दिया है, हल्दी डाल दी है, थोड़ी सी चीनी, और ये देखिए सरसों के तेल को गर्म करके मूंगफली के दाने फ्राई किए हैं। अब राई और हरी मिर्ची डाल के पोहा डाल के तड़का लगा देंगे। करी पत्ते भी थे आज मेरे पास, तो वो भी मैंने ऐड कर दिए हैं। ना करी लीफ को स्टोर करके रख लिया है, आंटी जी से लेकर आई थी, क्योंकि नीचे उतरो तब तो सब मिल जाता है लेकिन ऊपर मुश्किल होता है फिर रखना, तो मैंने डिब्बे में स्टोर करके रख लिया है। ये पोहा है वो अच्छे से बनके तैयार हो गया है, हम लोग चाय नाश्ता करेंगे, पोहा खाएंगे, आप लोग भी आ जाइए। राखी को भी पोहा बहुत अच्छा लगता है मेरे हाथ का, कहती है कि दीदी आपके हाथ का पोहा जो बहुत सॉफ्ट बनता है। तो ये रही चाय, ये रहा पोहा, और नमकीन नहीं थी भुजिया वाली, वरना मैं वो भी डालती। यहाँ पे हम सब लोग मस्ती के साथ में खा पी रहे हैं, और ये देखिए दक्ष की और राखी की मस्ती चल रही है, और बहुत अच्छा लग रहा है, रौनक लग गई है एकदम। घर पे कोई आ जाता है, बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, दक्ष को देख रहे हो कितना एक्साइटेड है चीजें खाने में, खेलने में बहुत खुश भी है। और इस टाइम आद्या सो रही है बीच में, आप देख रहे होगे आज वो सो गई, वैसे वो सोती नहीं है दोपहर में। फिलहाल अभी ये टाइम हो गया है शाम का, हम लोग तैयार हो रहे हैं, आज राखी का जन्मदिन है 11 तारीख को, और 10 तारीख को दक्ष का था, और केक वेक मंगाने का कोई इरादा नहीं था, जैसे कि मैंने बताया मैंने ये डिसाइड किया था राखी के जन्मदिन पे केक कट करेंगे, अच्छे से घर पे सेलिब्रेट करेंगे और बाहर भी जाएंगे। पर राखी ने बोला कि मुझे केक वेक नहीं कट करवाना है, बिकॉज केक तो कल ही खाया था, तो राखी ने केक खान कटवाने से मना कर दिया है। और फिर उसने बोला चलो चाहे कुछ भी कर लो दीदी, तो फिर हम लोग बाहर गए थे, और रात आज का डिनर जो हम लोगों ने बाहर ही किया था। वैसे तो केक कट करना तो हर एक, कोई भी छोटा सा फंक्शन हो या कोई भी छोटी सी खुशी है तो केक तो बनता ही है, हमेशा ही कटता है, लेकिन कल ही केक कटा था 10 तारीख को, और अभी वो ही थोड़ा बहुत रखा हुआ है। राखी का बिल्कुल भी मन नहीं हुआ कि केक अब कट करें, बस तब उसने मना कर दिया। अब क्या कर सकते हैं जब उसने मना कर दिया, वरना तो छोटा सा भी कोई ओकेजन हो तो केक तो आता ही है, लेकिन अब क्या करें, मैडम को नहीं था। हाय गाइस, तो हम लोग रेडी हो गए हैं राखी की बर्थडे पार्टी के लिए, तो कैमरा थोड़ा सा गंदा लगा, साफ कर लूं। अब हुआ ना साफ, वो धुंधला लग रहा था। मैंने आज ये जीन्स पहनी हुई है, और ये अपना टॉप पहना हुआ है, ये टॉप कम कुर्ती ज़्यादा है, कुर्ती कम मतलब टॉप ज़्यादा, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है पता ना, मुझे तो अच्छा लग रहा है। और मैंने बस हल्का सा सीरम लगाया फेस पे, और पाउडर डल लगा लिया है, और तैयार हो गए। देर हो रही, बहुत ज़्यादा देर, लेट हो गए, ऑटो से जाना पड़ेगा इसलिए। और राखी ने सख्त मना कर दिया है केक वेक नहीं, केक हमने कल खूब खा लिया, कल दक्ष का केक कटा था, मुझे केक वेक नहीं कटवाना, बस चलो बाहर खाना खा के आते हैं और कुछ नहीं। तो मैं हो गई हूँ रेडी, अपना पूरा लुक दिखाती हूँ, राखी का भी दिखाती हूँ। राखी आप जल्दी 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 चलिए आओ, चलिए जी जी नीचे गए हैं। ये रही राखी, ये राखी है, ये मैं हूँ। तो बस हम लोग आ चुके हैं ये ट्रीट रेस्टोरेंट, जहाँ पर मैंने आद्या के पहले जन्मदिन की पार्टी दी थी, तब राखी नहीं आई थी आद्या के पहले जन्मदिन पे, राखी शायद दूसरे जन्मदिन पे आई थी। पहले जन्मदिन पे आद्या के मेरा भाई आया था, और मेरी सबसे छोटी वाली बहन अंकिता आई हुई थी,
तो वही मैं राखी को बता रही थी कि यहीं पे मैंने पार्टी करी थी। आज थोड़ा सा लुक चेंज हो गया है, यहाँ का खाना जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सच बताऊँ आज जब हम लोग खाना खाने गए तो शायद शेफ चेंज हो गए हैं, क्या हुआ है, कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ था जिसकी वजह से जो खाना है वो खाने के स्वाद में थोड़ा सा अंतर था, थोड़ा सा कम अच्छा लगा। सो मेरा मन नहीं हुआ ज़्यादा, सच बता रही हूँ। मैं किसी भी रेस्टोरेंट की बुराई नहीं करती हूँ, ना ही किसी को कहना चाहती हूँ किसी से कि ये ख़राब है, लेकिन ये रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छा है। मैं 5 सालों से यहाँ पे खाना खाती हूँ, पसंद है, मतलब 5 सालों से मैं जब भी कुछ खान रात का डिनर वगैरह या लंच वगैरह करना आना होता है तो यहीं पर आती थी, और स्पेशली पनीर लबाबदार या फिर कढ़ाई पनीर या शाही पनीर, इन 3 रेसिपी को जरूर ट्राई करती हूँ, बहुत ही अच्छी लगती है। रोटियाँ यहाँ की बहुत पसंद है मुझे, बट सच कहूँ इस बार का मुझे नहीं अच्छा लगा, बिकॉज इन्होंने पनीर लबाबदार में भर की चीज डाल दिया था, मोजरीला चीज, जिसकी वजह से उसमें तार से बन रहे थे, जो कि मुझे नहीं अच्छा लगा। हो सकता है सैफ का नया तरीका हो अच्छा दिखाने का, लेकिन हम लोगों को नहीं पसंद आया, लेकिन फिर भी मैंने उनसे ये बात कही है और वो नेक्स्ट टाइम इस चीज़ का ध्यान देंगे। और मेरा तो फेवरेट रेस्टोरेंट वैसे भी ये है। सो खैर, यहाँ पे मैं अपना खाना आ गया है और सर्व कर रही हूँ मैं, और खाना खाएंगे अब। खाना तो बाहर का खा रहे हैं तो अच्छा तो लगेगा ही, अब जैसा भी है तो दक्ष के साथ में खाना वगैरह खाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन क्या करूं, बच्चा ये लेके तो आना ही पड़ेगा। अधक तो मैंने कंफर्टेबल कपड़े पहनाए थे ताकि वो रोए नहीं, वैसे भी वो वहां पे बहुत परेशान करता है। एंड ये रही आद्या, बहुत एक्साइटेड है, दोनों बच्चे मेरे बाहर खाना खाने में बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। तो बस खाना खाते हैं, और राखी का जन्मदिन है तो आप लोग भी बहुत सारी विशेष देना, उसे प्यार देना और बधाइयां देना। तो बस अब हम लोग खाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। तो हम लोगों का खाना वगैरह हो गया है, ये देखिए नैपकिन से मुंह पोछा जा रहा है। दक्ष भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है, नैपकिन लेगा, फेस क्लीन करेगा। और यह रही आध्या, तो इसके बाद हम लोग बाहर निकले, सामने जिंगालाला होटल है तो वहाँ पर गोलगप्पे बाहर नीचे लगे होते, तो राखी का भी मन था गोलगप्पे खाने का, तो मैंने सोचा चलो खिला देते हैं, क्योंकि मुझे मालूम था वहाँ के गोलगप्पे जो होते हैं वो महंगे तो होते ही हैं, टोकन से मिलते हैं, महंगे भी होते हैं, लेकिन वहाँ का पानी ना वैसा नहीं होता, तीखा खट्टा तरका तेज तर्राक वाला वैसा नहीं होता है जो हम लोगों को पसंद होता है, जो स्ट्रीट फूड में जो होता है हम लोग ठेले पे खड़े होकर गोलगप्पे खाते हैं, वैसा नहीं था। मैंने पता था मुझे ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग गए थे वहाँ पे और गोलगप्पे भी खाए, बट मज़ा नहीं आया। और फिर घर पे मैंने दूसरे दिन गोलगप्पे मंगाए थे। खैर, ये था मेरा आज का वीडियो। यहाँ पे क्या है, इस रेस्टोरेंट में ट्रीट में एक पंछी के पंख जैसे बने हुए हैं दीवार पे, बता आपको फोटो क्लिक करने के लिए वो प्लेस बनाया गया है। तो वहाँ पे हमने 2-4 फोटो क्लिक की और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकले। तो फ्रेंड बस काफ़ी देर हो गई थी क्योंकि घर भी जाना था, ऑटो लेना था, थोड़ा मुश्किल रहता ऑटो यहाँ से मिलना घर के लिए डायरेक्ट, तो थोड़ा देर इंतजार करना पड़ा था। और ये देखिए आध्या थोड़ी गुस्सा हो रही है, उसको ना आइसक्रीम भी खानी थी और नूडल्स भी खाने थे, और नूडल्स खाएगी क्या, जब खाने से पेट भर गया था उसका, नूडल थोड़ा सा ही खाती सब पूरा बर्बाद होता। खैर जो भी है, ये था मेरा आज का वीडियो, उम्मीद है पसंद आया होगा, आप इसे लाइक जरूर करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल पर नया है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।